आज हम हिंदी के बारे में, कक्षा चार के हिंदी के बारे में पाठों का जो है अध्ययन करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले हिंदी रीडिंग, उसके बाद उन पाठ का जो भावार्थ है वो समझाया जाएगा, और उसके बाद उसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी आपके साथ साझा किए जाएंगे, आपको समझाए जाएंगे, उनके ऊपर चर्चा होगी, ताकि आपको ये पूरा लेसन समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, और जो भी आपके कमेंट्स हों वो आप ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए बच्चों, आपको लिए चलते हैं आपके मनपसंद लेसन पापा जब छोटे थे। देखिए बच्चों, इसमें एक बच्चा अपने पापा से बात करता है कि पापा आप जब छोटे थे तो आप क्या बनना चाहते थे। तो उसके पापा उसको अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी किस प्रकार है आप भी इसको सुनिए और मज़ा लीजिए, आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। देखिए पाठ का नाम है पापा जब छोटे थे, बच्चे थे, है ना। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले वाले को लेकर घूम भी सकते हैं, और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करें। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली? कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। यह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है और इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। बस पापा को तो पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल दिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा।
सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने अचंभा मतलब सब जो है उसके बारे में सोचने लगे। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाऊँ जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा, इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम बेच लूँगा। इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा, आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर राठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन को बिताना चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों को इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैरों से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। ये वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही वह बात पापा के समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। अक्लेंद्र अलेक्सांद्र रस्किन ने ये कहानी लिखी है और इस कहानी का सीधा मतलब बच्चों कि हमें अपने जीवन में बहुत सारे इरादे हम करते हैं कि हम ये बनेंगे, ये बनेंगे और क्यों बनेंगे, वो काम भी इस पाठ में बताए गए हैं। लेकिन अंत में हमें ये बताया गया है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए जो दूसरों के काम आ सके, और वो इंसान ही किस काम का जो किसी के काम ना आ सके। अच्छी बात यह है कि हमें इंसान बनने की कोशिश अपने घर में अच्छे संस्कार सीखकर शुरुआत करनी चाहिए। बच्चों, हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कारी इंसान बनाना चाहते हैं। अब आइए हम
इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? पापा ने बहुत सारे काम सोचे। सबसे पहले वो आइसक्रीम जो है चौकीदार बनना चाहते थे, फिर आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते थे, फिर शंटिंग करने वाला बनना चाहते थे, फिर हवाई जहाज वायुयान उड़ाना चाहते थे, फिर जहाजी बनना चाहते थे, लेकिन अंत में हमें जो सबसे अजीब लगा वो कि वो कुत्ता बनना चाहते थे, क्योंकि वो इंसान के इंसान बनकर काफ़ी थक चुके थे। जो इंसानों के काम हैं वो बनकर वो काफ़ी थक चुके थे, इसलिए अब वो जानवर बनकर भी देखना चाहते थे। क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या करना है? कौन कौन कहता है और क्या कहता है? देखिए, माता पिता जो चाहते हैं बच्चे अक्सर वही बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे माता पिता से हटकर भी बनना चाहते हैं। लेकिन मेरे विचार से बच्चों को वही बनना चाहिए जो वो खुद चाहते हैं। उसमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और निरंतर अपने दूसरे विषयों पर भी ध्यान देकर उसमें आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 10th तक तो अपने सभी सब्जेक्टों पर बराबर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ तक तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा ये सब, वरना किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो फिर क्या होगा। इसलिए और अपना जो काम आपने डिसाइड किया हुआ है, जो आपने निश्चित किया हुआ है कि मुझे ये बनना है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करता रहना चाहिए। आई बात समझ में? मान लीजिए आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो कौन सा इंजीनियर? बिल्डिंग बनाने वाला, तो बिल्डिंग कितनी नीम खोदी जाती है, कितनी पिथ लेवल किया जाता है, कितना DPC लेवल किया जाता है, कितना जो है डांसा लेवल, जो भी आपकी भाषा में कहा जाता है, फिर छत कैसे की जाती है, छत में जो है सरिया कैसे लगाया जाता है, पट्टियां कैसे चढ़ाई जाती है, भारी सामानों को कैसे उठाया जाता है, ऐसा कार्य हमें देखना चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट का है। अपने घर में किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। मान लीजिए किसी के पापा टेलर हैं, तो उनसे पूछा जाए पैंट कितने जो है सेंटीमीटर में बनती है, मीटर में बनती है, और शर्ट कितने मीटर में बनती है, कैसे उसको काटा जाता है। पता करो कि उनके काम में को किस नाम से जाना जाता है, टेलर के काम को या मेसन जो कारीगर है उसके मेसन का काम, या जो लेबर है वो लेबर का काम, उन्हें अपने काम में किन किन बातों की परेशानियाँ होती होगी। देखिए, जो दुकानदार हैं उनको तो अपने ग्राहकों से मतलब बात करने में, कई ग्राहक ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है परेशान करते हैं। कभी कभी कपड़ा छोटा ले आते हैं तो उसमें परेशानी आती है, कभी कभी दुकान पर जो है खुले नहीं होते तो फिर उसमें परेशानी आती है। कहानी से आगे, शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात को काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से काम रात को जागना पड़ता है? देखिए, ज़्यादा काम हो तो लेबर को भी जागना पड़ता है, मैसन को भी जागना पड़ता है, टेलर को भी जागना पड़ता है। पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा काम करते हैं? हाँ, कई व्यक्तियों को जानते हैं। जैसे जो मिस्त्री होते हैं वो जो है गाड़ियों को ठीक भी कर लेते हैं और कुछ मजदूरी भी कर लेते हैं, गाड़ियों की धुलाई भी कर लेते हैं, ये सब चीज़ें वो कर लेते हैं। अब शेख चिल्ली की तो आपने कई कहानियाँ सुनी होगी, पागलपन देते हैं। पापा अपने पैर से कान को पीछे से खुजा पाते थे। आओ देखें कि आप कान को पीछे से खुजा पाते हैं कि नहीं खुजा पाते पैर से, है ना? ये एक्टिविटीज़ हैं बच्चों, है ना? तो ये चीज़ आप अपने दोस्त के साथ मिलकर करेंगे। और इसके अलावा तो कोई नई एक्टिविटी नहीं है। पापा के पापा को हम दादाजी कहते हैं, पापा की माँ को हम दादी कहते हैं, पापा के बड़े भाई को हम ताऊ जी कहते हैं, पापा की बहन को बुआ जी कहते हैं, पापा के छोटे भाई को चाचा कहते हैं, माँ के पापा को नाना कहते हैं, माँ की माँ को नानी कहते हैं, माँ के भाई को मामू या मामा जी कहते हैं, माँ की बहन को मासी कहते हैं, और बहन के पति को बहनोई, बहन के पति को क्या बोलते हैं? बहनोई। तो इन सब को आप अच्छे से करेंगे, जो बढ़िया कहानी कर सकते हैं
कहानीकार जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं वो मनिहार जो कलाबाजियाँ कर सकते हैं, कलाबाज जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं, नकलची जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं, बुनकर जो सब सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं, वक्ता जो कठिन पहेलियों को बुझा सकते हैं, समझदार जो खुलकर जोर से हंस सकते हैं, मजाकिया जो तरह तरह की आवाज़ें निकाल सकते हैं, उनके नाम दे सकते हैं जो अंदाज से ही चीज़ों को सही माप लेते हैं, बुद्धिमान जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं, अभिनय जो है कलाकार कह सकते हैं उनको, जो बेकार पड़ी चीज़ों से सुंदर चीज़ें बनाए वो कारीगर हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये सब आपको हमने बताया है, आप किन किन चीज़ों में माहिर हो, कागज़ की चीज़ें बनाने में माहिर हैं आप, गार्डन का काम करने में माहिर हैं आप, है ना बच्चों, ये सब चीज़ें आपको अपने आप करनी है बाकी, है ना। तो उलझन की एक कविता हम आपको इसके साथ पढ़ा देते हैं ताकि आपको कोई नई, बहुत ही अच्छी कविता है। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दादी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ, सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। सुरेंद्र विक्रम जी की ये कविता है और बहुत ही अच्छी कविता है। ठीक है बच्चों, और ये कॉमिक्स आपको खुद पढ़नी है ताकि आपको ये, या मैं पढ़ के बता दूँ, चलो बता देता हूँ। एक साथ 3 सुख, 3 यात्री किसी शहर में से जा रहे थे, तभी एक सिक्का दिखाई दिया। ओह सिक्का, हम सब ने इसे एक साथ देखा है, इसलिए हम सबका है। हाँ हाँ क्यों ना हम कुछ खरीद कर आपस में बांट ले। ठीक है पर क्या खरीदेंगे, मेरा तो मन मीठी चीज़ खाने का कर रहा है। ठीक है पर कोई मीठी चीज़ खरीदेंगे, पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए, एक मिठाई ही बहुत है, मुझे तो कई चाहिए, मुझे प्यास लगी है। क्या बात है, आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं, तीनों ने बूढ़े को समस्या बताई। अरे बस इतनी सी बात, बड़ा आसान उपाय है, अब बच्चों आप बताओ कि वो क्या खरीदेंगे। अंगूर, कुछ अंगूर खरीद दीजिए, ये तो मीठे हैं, ये तो बहुत सारे हैं, ये तो मेरी प्यास बुझा देंगे। उस बुजुर्ग ने हमारी सारी समस्या बड़ी आसानी से हल कर दी। तो देखिए हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके अनुभव का भी अपना एक स्थान है, जब भी आप किसी परेशानी में हों तो अपने बुज़ुर्गों का जो है साथ लेना चाहिए, आपको उनसे सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि जो बुज़ुर्गों की सलाह नहीं देते बाद में उन्हें वकीलों की सलाह लेनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लेसन को सुना और इस बारे में चर्चा की।